नमस्कार, इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। हरियाणा के करनाल से एक 3 मंजिला शोरूम जलकर खाक हो जाता है। जी हां, महज इस वजह से सिर्फ शॉर्ट सर्किट ही जो है मेन इसका कारण बताया जा सकता है। आप तारों की जो है हालत यहां पर देख सकते हैं कि कितनी बुरी तरह से ये 3 मंजिला शोरूम अगर बात करें नीचे से लेकर ऊपर तक जलकर खाक हो गया है। जी हाँ, रात्रि 1:30 बजे के आसपास की जो है ये घटना बताई जा रही है। करनाल में पुरानी काली माता मंदिर के साथ बिल्कुल लगता ये शोरूम है। देख सकते हैं कि कितनी बुरी तरह से काला आपको नजर आएगा, कुछ जो है इसका बचा आपको नजर नहीं आएगा। अगर बात की जाए शटर की, शटर तक जो है बुरी तरह से जला हुआ है। अंदर सामान देख सकते हैं, अभी भी बताया जा रहा है कि आग जो है हो सकती है अंदर। कोई जो तारे हैं यहाँ पर पहुंच चुके हैं बिजली विभाग के लोग, ताकि जो है आग आगे ना बढ़ सके। ये लाइव तस्वीरें हरियाणा के करनाल से आपको दिखा रहे हैं कि कितनी बुरी तरह से जो है शोरूम में आग लगती है और क्या कुछ जो इसके कारण है। एक बार जानना चाहेंगे और आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लाखों का ये नुकसान जरूर रहा है, महज शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है। अगर आप वहां पर देखेंगे आपको मीटर जो है नजर आ जाएगा, मीटर जो है बुरी तरह से जला और गला आपको दिखेगा कि उसकी हालत क्या कुछ है। और ये लाइव तस्वीरें हैं जिस वजह से यहाँ पर बताया जा रहा है रात भर लोग जागते रहे हैं। 7 से 8 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बताया जा रहा है आई थी मौके पर, तब इस आग पर जो है काबू पाया गया है। ये बिल्कुल जो है पुरानी काली माता मंदिर है उसके साथ लगती ये शोरूम था, 3 मंजिला शोरूम है। ऊपर तक जो है आग फैली थी, बुरी तरह से जला हुआ है। जी हाँ, एक बार मकान मालिक से बातचीत करेंगे कि उनका कितना कुछ नुकसान हुआ है, क्योंकि जिस तरह से आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा नुकसान है, तो उन पर भी बहुत ज़्यादा दुखों का पहाड़ ज़रूर टूटा होगा। क्योंकि जिस तरह से ये शोरूम जला है, बिल्कुल जलकर खाक आपको ज़रूर नज़र आएगा। तो ये लाइव तस्वीरें हरियाणा के करनाल से, एक बार इनसे जानेंगे कि आग जो है ये कैसे लग जाती है। बिल्कुल ही नीचे से लेकर ऊपर तक जो 3री मंजिल है वहाँ तक ये आग फैली है और शटर तक जो है आपको नजर आ जाएगा। आग कैसे लगी, कारण ये बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी आग। आपको पता चल गया था उस वक्त? नहीं, जब भयंकर हो गई थी आग तब पता लगा कि। तो आपका कहना ये है कि बिजली आग लगने का जो कारण है वो बिजली का शॉर्ट सर्किट। कितने बजे के करीब हुआ था? ये 2 बजे करीब अपने को पता लगा है, जो मीटर मोटर सारा जल गया था बाहर से। आग कब लगी थी ये पता चला? 2 बजे के आसपास से पता चला। मतलब ये मीटर बाहर लगा हुआ है? हाँ जी, मीटर बाहर, मीटर सामने जला हुआ है। इसी मीटर से? इसी का मीटर है। इसी मीटर से? हाँ जी। तो इससे पहले भी कहीं लगी है जी आग? पहले कभी नहीं लगी। शॉर्टकट हुआ? हाँ, मीटर से शॉर्टकट हुआ है, उससे आग लगी है। तो इसके अंदर दुकान जो थी माँ प्लाईवुड, तो इसके अंदर कितना अनुमानित लागत से जो है नुकसान हुआ? ये 5-6 के आसपास, 5-6 CR। क्या? 5-1 करोड़ का। 5-6 करोड़ का? 5-6 करोड़ का सारा सामान यही था? हाँ, बिल्डिंग भी पूरी ख़त्म हो गई है। हाँ जी, हार्डवेयर सारा यही था। तो हार्डवेयर का भी था और प्लाई वगैरह था, सारा उससे संबंधित सारा सामान था। तो आपके कहे अनुसार जो है 5-6 करोड़ का नुकसान हो गया इसके लिए। तो क्या इसका बीमा हुआ हुआ था? इसका बीमा तो देखना पड़ेगा, लिमिट तो बनी हुई है। दुकान आपकी थी? हाँ जी, हाँ जी। लिमिट, आपका लिमिट नाम क्या है? संदीप तिवारी। संदीप तिवारी। तो ये दुकान आप ही की थी, 5-6 करोड़ का नुकसान हो गया। फायर ब्रिगेड आ गई थी मौके पर? हाँ, फ़ोन किया उसके बाद काफ़ी देर में आई होगी। बताया जा रहा है 7 से 8 गाड़ियाँ आई हैं सर? नहीं, 40 ही गाड़ियाँ आई हैं। उस वक्त काबू पा लिया गया था फिर? अभी आपने अंदर से देखा है कुछ? अंदर से तो राख हो गया, बिल्डिंग भी खत्म। तो अंदर घुसे थे? हैं, अंदर घुस पाए? साइड से, गर्मी है अभी वो अंदर अंदर नहीं जा पा नहीं जा पा रहे। तो फायर ब्रिगेड वालों ने अंदर जाके अपने घर से आग को बुझा दिया। तो ये आप देख सकते हैं, तो देख सकते हैं जो इनकी हालत भी है वो काफ़ी ज़रूर नाजुक ज़रूर नज़र आ रही है। क्योंकि जब 4 से 5 करोड़ का बताया जा रहा है इसमें नुकसान हुआ है। आपको नाम बता दूं दुकान का, माँ प्लाईवुड एंड हार्डवेयर है। जी हाँ, अब यहाँ पर जो है बिजली विभाग के लोग पहुँचे हैं ताकि अंदर अगर अभी भी गर्मी है, आग है, तो उसको काबू पाया जा सके और अलग कोई अगर जो है तार है वो फिर से इस तरह से शॉर्ट सर्किट ना हो और उन पर
पर काबू पाया। जैसा कि आप उस दुकान की भी देख सकते हैं, साथ साथ लगती जो चीजें हैं वो भी पूरी जलकर खाक हो चुकी है। जो बाहर रखा सामान है वो पूरा जलकर खाक हो अगर बात की जाए ऊपर से लेकर नीचे तक। इसी वजह से जो है मकान मालिक का कहना है कि बहुत सामान इसके अंदर था, कम से कम 4 से 5 करोड़ का सामान बताया जा रहा है जो है जलकर खाक हुआ है। फिलहाल आपसे अपील रहेगी इस वीडियो को शेयर करें, और अगर इस तरह से बिजली के जो मीटर वगैरह लगाए जाते हैं उन पर पूरी निगरानी रखी जाए, उनको चेक किया जाए ताकि इस तरह से शॉर्ट सर्किट ना हो। और बाहर ही अक्सर जो है इस तरह का मीटर लगाना चाहिए, तो क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी दुकानों में जब देख सकते हैं वायरिंग ज़्यादा होती है, बिजली ज़्यादा होती है, तो बहुत जल्दी आग वो पकड़ लेती है। और सारा सामान जो है प्लाईवुड था तो जल्द से जल्द वो आग पकड़ लेता है, और बिजली ने जब आग पकड़ ली तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उसके बाद जो है लकड़ी फटाफट से जलना जो है शुरू कर देती है। नीचे की सारी तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो कांच वगैरह का अंदर सामान था वो भी पूरा जलकर खाक आपको नज़र आएगा। एक बार जो है इनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ इनका कहना है, कि इनको पता चल पाया। सर कुछ पता चल पा रहा है कैसे हुआ शॉर्ट सर्किट? कुछ नहीं पता लगा, बिल्कुल भी नहीं पता चल पा रहा। अंदर का ही फॉल्ट, अंदर से बाहर आई है। हाँ जी, क्योंकि सारे मीटर तो जल गए। बाद में जली थी केवल भी, मीटर से कोई गलती नहीं, मतलब मीटर टमाटर की कोई गलती नहीं, अंदर का शॉर्ट सर्किट है। तो हो सकता है अंदर पहले किस चीज में लग गई हो? पहले स्विच वगैरह में लगी होगी। तो देख सकते हैं बिजली विभाग के लोग भी अपना जो है फटाफट से यहाँ पर पहुँच गए हैं ताकि और कोई भी जो है वायरिंग इस तरह से शॉर्ट सर्किट ना हो सके। मीटर आप देख सकते हैं, जो आसपास के लगे मीटर हैं वो भी जलकर आपको खाक ज़रूर नज़र आएंगे, बुरी तरह से जो है जल गए हैं। ताकि ये देख सकते हैं ऊपर अभी तक भी जो है पानी यहाँ पर निकल रहा है, क्योंकि जो गाड़ियाँ आई हैं उनके द्वारा इस आग को बुझाया जरूर गया है। फिलहाल ऐसा इनका कहना है कि अंदर जरूर किसी शॉर्ट सर्किट अंदर जो है हुआ है, जो बिजली विभाग के लोगों का कहना है, क्योंकि बाहर जो है इस तरह से कोई फॉल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। सारा सामान आप देख सकते हैं कि कितनी बुरी तरह से, जो प्लाईवुड है लकड़ियां हैं जलकर कोयला बन चुकी हैं। जी हाँ, ये कोयला बन चुकी हैं, बिल्कुल ख़त्म आपको ज़रूर नज़र आएगी। आपसे अपील रहेगी वीडियो को लगातार शेयर ज़रूर करें। फिलहाल यहाँ पर बिजली का काम जरूर किया जा रहा है आसपास, ताकि जो है कंट्रोल इस पर पाया जा सके। आपसे अपील, वीडियो को लगातार शेयर ज़रूर करें। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हसन हलचल और जनता ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये अपना काम जरूर करते हुए नज़र आ रहे हैं, फिर भी जो है इस जगह से जाते हुए सावधानी बरतने की ज़रूरत ज़रूर है, ताकि जो अंदर लगी आग है वो हो सकता है अंदर अभी भी आग हो या अंदर गर्मी हो, क्योंकि जिस तरह से वायरिंग नज़र आ रही है, और ये इनका बोर्ड है, इसी दुकान का बोर्ड है जो साइड वाली मंदिर पर लगा हुआ था, वो देख सकते हैं वो भी बुरी तरह से जलकर खा के। आपसे अपील, वीडियो को लगातार शेयर ज़रूर करें। मैं आरती राणा से होगी अमन ग्रोवर के साथ, करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद, नमस्कार। इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से, एक 3 मंजिला शोरूम जलकर खाक हो जाता है। जी हाँ, महज इस वजह से सिर्फ शॉर्ट सर्किट ही जो है मेन इसका कारण बताया जा सकता है। आप तारों की जो है हालत यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी बुरी तरह से ये 3 मंजिला शोरूम अगर बात करें नीचे से लेकर ऊपर तक जलकर खाक हो गया है। जी हाँ, रात्रि 1:30 बजे के आसपास की जो है ये घटना बताई जा रही है। करनाल में पुरानी काली माता मंदिर के साथ बिल्कुल लगता ये शोरूम है। देख सकते हैं कि कितनी बुरी तरह से काला आपको नजर आएगा, कुछ जो है इसका बचा आपको नजर नहीं आएगा। अगर बात की जाए शटर की, शटर तक जो है पूरी तरह से जला हुआ है। अंदर सामान देख सकते हैं, अभी भी बताया जा रहा है कि आग जो है हो सकती है अंदर, कोई जो तारे हैं यहाँ पर पहुंच चुके हैं बिजली विभाग के लोग, ताकि जो है आग आगे ना बढ़ सके। ये लाइव तस्वीरें हरियाणा के करनाल से आपको दिखा रहे हैं कि कितनी बुरी तरह से जो है शोरूम में आग लगती है, और क्या कुछ जो इसके कारण है एक बार जानना चाहेंगे। और आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने लाखों का ये नुकसान जरूर रहा है, महज शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है। अगर आप वहां पर देखेंगे आपको मीटर जो है नज़र आ जाएगा, मीटर जो है बुरी तरह से जला और गला आपको दिखेगा कि उसकी हालत क्या कुछ है। और ये लाइव तस्वीरें हैं जिस वजह से यहाँ पर बताया जा रहा है रात भर लोग जागते रहे हैं, 7 से 8 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ बताया जा रहा है थी मौके पर, तब इस आग पर जो है काबू पाया गया है। ये बिल्कुल जो है पुरानी काली माता मंदिर है उसके साथ लगती ये शोरूम था, 3 मंजिला शोरूम है,
ऊपर तक जो है आग फैली थी, बुरी तरह से जला हुआ है। जी हाँ, एक बार मकान मालिक से बातचीत करेंगे कि उनका कितना कुछ नुकसान हुआ है, क्योंकि जिस तरह से आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा नुकसान है, तो उन पर भी बहुत ज़्यादा दुखों का पहाड़ ज़रूर टूटा होगा, क्योंकि जिस तरह से ये शोरूम जला है, बिल्कुल जलकर खाक आपको ज़रूर नज़र आएगा। तो ये लाइव तस्वीरें हरियाणा के करनाल से, एक बार इनसे जानेंगे कि आग जो है ये कैसे लग जाती है। बिल्कुल ही नीचे से लेकर ऊपर तक जो तीसरी मंजिल है वहाँ तक ये आग फैली है और शटर तक जो है आपको नजर आ जाएगा। अच्छा, ओके, आग कैसे लगी? कारण ये बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी आग। आपको पता चल गया था उस वक्त? नहीं, जब भयंकर हो गई थी आग तब पता लगा कि। तो आपका कहना ये है कि बिजली आग लगने का जो कारण है वो बिजली का शॉर्ट सर्किट? कितने बजे के करीब हुआ था? ये 2 बजे करीब अपने को पता लगा है, जो मीटर मोटर सारा जल गया था बाहर से। आग कब लगी ये पता चला? 2 बजे के आसपास ही पता चला। मतलब तो ये मीटर बाहर लगा हुआ है? हाँ जी, मीटर बाहर। मीटर सामने जला हुआ है, इसी मीटर से? इसी मीटर से। हाँ जी। इससे पहले भी कहीं लगी है जी आग? पहले कभी? मीटर से शॉर्ट किट हुआ है, उससे आग लगी है। तो इसके अंदर दुकान जो थी माँ प्लाईवुड, तो इसके अंदर कितना अनुमानित लागत से जो है नुकसान हुआ? ये 5-6 के आसपास, 5-6 CR। क्या? 5-6 करोड़ का। 5-6 करोड़ का? 5-6 करोड़ का। सारा सामान यही था? हाँ, बिल्डिंग भी पूरी ख़त्म हो गई है। हाँ जी, हार्डवेयर सारा। हार्डवेयर का भी था और प्लाई वगैरह था, सारा उससे संबंधित सारा सामान था। तो आपके कहे अनुसार जो है 5-6 करोड़ का नुकसान हो गया इसके। तो क्या इसका बीमा हुआ था? इसका बीमा तो देखना पड़ेगा, वो लिमिट तो बनी हुई है। दुकान आपकी थी? हाँ जी, हाँ जी। लिमिट, आपका नाम क्या है? संदीप तिवारी। संदीप तिवारी। तो ये दुकान आप ही की थी, 5-6 करोड़ का नुकसान हो गया। फायर ब्रिगेड आ गई थी मौके पर? हाँ, फ़ोन किया उसके बाद काफ़ी देर में आई होगी। बताया जा रहा है 7-8 गाड़ियाँ आई हैं सर? नहीं, 40 गाड़ियाँ आई हैं। 45। उस वक्त काबू पा लिया गया था फिर? तो अभी आपने अंदर से देखा है कुछ? अंदर से तो राख हो गया, बिल्डिंग भी खत्म है। तो अंदर घुसे थे? हैं, अंदर घुस पाए? साइड से, गर्मी है अभी वो, अंदर अंदर नहीं जा नहीं जा पा रहे। तो फायर ब्रिगेड वालों ने अंदर जाके आपको बुझाया? तो ये आप देख सकते हैं, तो देख सकते हैं जो इनकी हालत भी है वो काफ़ी ज़रूर नाजुक ज़रूर नज़र आ रही है, क्योंकि जब 4-5 करोड़ का बताया जा रहा है इसमें नुकसान हुआ है। आपको नाम बता दूं दुकान का, माँ प्लाईवुड एंड हार्डवेयर है। जी हाँ, अब यहाँ पर जो है बिजली विभाग के लोग पहुँचे हैं ताकि अंदर अगर अभी भी गर्मी है, आग है, तो उसको काबू पाया जा सके, और अलग कोई अगर जो है तार है वो फिर से इस तरह से शॉर्ट सर्किट ना हो और पर काबू पाया जा सके। आप उस दुकान की भी देख सकते हैं, साथ साथ लगती जो चीज़ें हैं वो भी पूरी जलकर खाक हो चुकी है। जो बाहर रखा सामान है वो पूरा जलकर खाक हो, अगर बात की जाए ऊपर से लेकर नीचे तक। इसी वजह से जो है मकान मालिक का कहना है कि बहुत सामान इसके अंदर था, कम से कम 4-5 करोड़ का सामान बताया जा रहा है जो है जलकर खाक हुआ है। फिलहाल आपसे अपील रहेगी इस वीडियो को शेयर करें, और अगर इस तरह से बिजली के जो मीटर वगैरह लगाए जाते हैं उन पर पूरी निगरानी रखी जाए, उनको चेक किया जाए ताकि इस तरह से शॉर्ट सर्किट ना हो। और बाहर ही अक्सर जो है इस तरह का मीटर लगाना चाहिए, तो क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी दुकानों में जब देख सकते हैं वायरिंग ज़्यादा होती है, बिजली ज़्यादा होती है, तो बहुत जल्दी आग वो पकड़ लेती है। और सारा सामान जो है प्लाईवुड था, तो जल्द से जल्द वो आग पकड़ लेता है, और बिजली ने जब आग पकड़ ली तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उसके बाद जो है लकड़ी फटाफट से जलना जो है शुरू कर देती है। नीचे की सारी तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो कांच वगैरह का अंदर सामान था वो भी पूरा जलकर खाक आपको नज़र आएगा। एक बार जो है इनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ इनका कहना है, कि इनको पता चल पाया। सर, कुछ पता चल पा रहा है कैसे हुआ? नहीं, कुछ नहीं पता लगा, भी नहीं पता चल पा रहा। अंदर 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 का ही फॉल्ट, अंदर से बाहर आई है। हाँ जी, क्योंकि सारे मीटर तो जल गए। बाद में जली थी केवल, भी मीटर से कोई गलती नहीं है? मतलब मीटर टमाटर की कोई गलती नहीं, अंदर का शॉर्ट सर्किट है। तो हो सकता है अंदर पहले किस चीज़ में लगी हो? पहले स्विच वगैरह में लगी होगी। तो देख सकते हैं बिजली विभाग के लोग भी अपना जो है फटाफट से यहाँ पर पहुँच गए हैं, ताकि और कोई भी जो है वायरिंग इस तरह से शॉर्ट सर्किट ना हो सके। मीटर आप देख सकते हैं, जो आसपास के लगे मीटर हैं वो भी जलकर आपको खाक ज़रूर नज़र आएंगे, बुरी तरह से जो है जल गए हैं, ताकि
ये देख सकते हैं ऊपर अभी तक भी जो है पानी यहाँ पर निकल रहा है, क्योंकि जो गाड़ियाँ आई हैं उनके द्वारा इस आग को बुझाया जरूर गया है। फिलहाल ऐसा इनका कहना है कि अंदर जरूर किसी शॉर्ट सर्किट अंदर जो है हुआ है, जो बिजली विभाग के लोगों का कहना है, क्योंकि बाहर जो है इस तरह से कोई फॉल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। सारा सामान आप देख सकते हैं कि कितनी बुरी तरह से जो प्लाईवुड है, लकड़ियां हैं, जलकर कोयला बन चुकी हैं। जी हाँ, ये कोयला बन चुकी हैं, बिल्कुल ख़त्म आपको ज़रूर नज़र आएगी। आपसे अपील रहेगी वीडियो को लगातार शेयर जरूर करें। फिलहाल यहाँ पर बिजली का काम जरूर किया जा रहा है आसपास, ताकि जो है कंट्रोल इस पर पाया जा सके। आपसे अपील, वीडियो को लगातार शेयर जरूर करें। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं असंध हलचल और जनता ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये अपना काम जरूर करते हुए नज़र आ रहे हैं, फिर भी जो है इस जगह से जाते हुए सावधानी बरतने की ज़रूरत ज़रूर है, ताकि जो अंदर लगी आग है वो हो सकता है अंदर अभी भी आग हो या अंदर गर्मी हो, क्योंकि जिस तरह से वायरिंग नज़र आ रही है और ये इनका बोर्ड है, इसी दुकान का बोर्ड है जो साइड वाली मंदिर पर लगा हुआ था, वो देख सकते हैं वो भी बुरी तरह से जल कर खा के। आपसे अपील, वीडियो को लगातार शेयर जरूर करें। मैं आरती राणा से योगी अमन ग्रोवर के साथ करनाल से आप सभी के साथ लाइव।